नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर यानी कि सोमवार को राजद की हुई समीक्षा बैठक के बारे में। राजद की हुई समीक्षा बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें जो सबसे पहली बात हुई वो पार्टी के अंदर भीतर घात को लेकर बात हुई। उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव द्वारा जो सबसे पहले बातें कही गई उसमें यह कहा गया कि पार्टी के अंदर भीतर घात करने वाले नेताओं को नहीं बख्शा जाएगा। 21 तारीख की हुई जो बैठक थी ये सभी जीते हुए विधायक और जिला अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें बड़े नेता जो थे उसमें शामिल हुए थे और इसमें ये डिसीजन करना था कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी आखिर पीछे गई तो क्यों गई और कैसे गए, इन सारे कारणों को लेकर बात होनी थी। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने पार्टी आलाकमान को के लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व जो है उनके विधानसभा चुनाव हारने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इसके बाद से ये अंदर खाने में जो खबर आने लगी थी उसमें ये कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर अंतर विरोह है। इसके बाद से तेजस्वी यादव ने कल खुलेआम तौर पे उन्होंने कह दिया कि पार्टी के अंदर जो भी गलत काम करेंगे उन्हें पार्टी निष्कासित कर देगी। और इससे पहले भी हमने देखा भी था कि कई ऐसे नेता थे जिन्हें राजद ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब इसके बाद जो दूसरे अहम मुद्दे पे जो बात हुई वो था किसान बिल। किसान बिल को लेकर राजद बहुत ज्यादा बिहार में कमोबेश सड़कों पे नहीं है, किसानों के बीच नहीं जा रही है और किसान बिल जो है उसके बारे में आम जनता को नहीं समझा पा रही है। इसको लेकर राजद कुछ ज्यादा ही सक्रिय अब दिखी। इसके बाद से उन्होंने कहा है कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले पार्टी के जो बड़े नेता है उन्हें समझना होगा कि आखिर सरकार की तरफ से जो किसान बिल लाया जा रहा है वो क्या है, उसे पार्टी के बड़े नेता समझे, उसके बाद वो जिलावार जाए, जिलों में जाकर वो आंदोलन करे। इसको लेकर उन्होंने एक पूरी रूपरेखा बनाई है। अब हम बताते हैं कि आखिर वो रूपरेखा किस तरह से और कैसे काम करेगी। तो अभी जो तेजस्वी यादव की तरफ से जो रूपरेखा के बारे में कहा गया है वो कहा गया है कि संक्रांति के बाद से यानी कि 14 जनवरी के बाद से पार्टी जो है सड़कों पे आएगी और जिलावार स्तर पे जाके वहां पे आंदोलन करेगी और किसानों को ये समझाने की कोशिश करेगी कि किसानों को लेकर जो ये किसान बिल जो केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों को लेकर आया गया है वो कितना लाभदायक है या फिर कितना हानिकारक है। इन सारे मुद्दों को लेकर राजद जो है वो किसानों के बीच जाएगी। इन सब चीजों के अलावा जो सबसे अहम बात जो हुई वो ये थी तेजस्वी यादव की तरफ से कि 2021 में फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो इसको लेकर राजद प्रमुख के तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि आप जो है सो मत जाएं, पार्टी के लिए जाएं, अपने क्षेत्र में काम करें और 2021 का इंतजार करें। तो राजद को ये लगता है कि 2021 में बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव हो सकता है। राजद को अंदरूनी खबर राजद की तरफ से ये भी आ रही है कि पार्टी यानी कि एनडीए की तरफ से कि एनडीए में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी को आधार बनाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2021 में बिहार का भी फिर से विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो सोमवार यानी कि 21 दिसंबर को राजद की समीक्षा बैठक में इन तीन अहम मुद्दों पे बात हुई और इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात जो राजद की तरफ से जो खुलकर सामने आई वो ये था कि संक्रांति के बाद यानी कि 15 जनवरी से राजद जो है किसान बिल को लेकर सड़कों पे उतरेगी और आम किसानों के बीच जाएगी, आम लोगों के बीच जाएगी और वो किसान बिल के विरोध को लेकर बात करेगी और कहेगी। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।